प्यारा प्यारा है ये पहनने वाला नहीं। जो बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बच्चे लोग नॉर्मल पहनते नहीं, तो ज़्यादातर होता क्या कि बच्चे लोग उसी से क्या क्या कुछ जानवर वानवर का डिजाइनिंग लेता है वो सब पहनते हैं, तो देख सकते कितना क्यूट क्यूट है। ऑल टाइम तो नहीं होता, बस यहाँ पे घर में किसी को गिफ्ट देने के लिए अच्छा है। गिफ्ट करना चाहिए किसी के लिए। और ये कौन है, कितना ओ कलर भी चल रहा है। सलाम नमस्ते गाइज, तो मेरे न्यू ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो गाइज अभी क्या हो रहे हैं 8 घंटे, और गाइज बता दें कि अभी हम काम करके आए थे मिनिमम 6 बजे, और गाइज बता दें कि आज है यानी रमजान का 27वां रोजा आज है, और गाइज आज के ही दिन यहाँ पे राम चैन पटना में मदीना चौक के पास बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है, जिसे लिए आदमी सालों से इंतजार करते वहाँ पे घूमने के लिए और वहाँ पे मार्केट लगाने के लिए। गाइज बता दें कि रियली में हम लोग आपके ब्लॉग हमारा देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, क्योंकि अगल बगल में आपको बाजार दिखा था, पर आज जो है ना आज बाजार आज से लेके ईद तक फुल बहुत लगता है, और सब बताते हैं कि लाइट से पूरा भरा पड़ा है। आप देख के बताते हैं वहाँ कि साल में ये तो सद रमजान के महीने में बाजार लगती है, अभी कपड़े का फल फ्रूट बहुत ऐसे दुकान लगते हैं, हमें तो नहीं देखे थे, हमें फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम जा रहे हैं सेड होटल और नागाविया सामान लेके चले जाएं, जो भी कुछ सामान है घर के लिए, तो हम वहाँ पे जाएंगे बाइक से, और सेड होटल हम उतर के जाएंगे, इनो चले जाएंगे रिटर्न घर। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली मदीना चौक के पास, और गाइस वाकई में यहाँ जो लगा हुआ है ना मेले की तरह लगा, जो बता दें कि यहाँ पर पहली बार आए हैं, और आज के दिन यानी त्यौहार के दिन यानी 27 को यहाँ से और जब तक ईद है तब तक यहाँ से भीड़ रहता है, और यहाँ बाजार लगता है बहुत ही बड़ा लगा, यानी कि जो भी मार्केट के खिलौने आइटम होते हैं और कपड़े जो भी होते हैं यहाँ पे सभी मिलते हैं यानी। तो अब तो हम बने रहना वीडियो लास्ट तक, और चलते हैं देखते हैं, और बहुत बताए पब्लिक का बहुत भीड़ है, रियली में बहुत भीड़ है, तो चलते हैं। एक हमारे भाई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो गुब्बारा दिख रहा ये जो इतने बड़े बड़े गेम कितने रुपये, तो ये अवज में यानी 50 रुपये का है, और बता दें ये एक ही है यहाँ पे, हमने यहाँ पे अभी तो गए नहीं, पर यहाँ पे भाई लोग बता रहे कि ये जो दुकान है ये गुब्बारा वाला ये बैलून का ये एक ही दुकान है, तो अभी मालूम है हमें अंदर चलेंगे और देखते देखते किस तरह से भी भैया फुला रहे हैं, चलते अंदर। Every time I fall in a deep, and I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. आज आपको बता दें यहाँ ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है ना वो कपड़े का दुकान है, क्योंकि ईद के महीने में ज़्यादातर कपड़े बिकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादातर आपको कपड़े का दुकान हमको दिख रहा, आपको भी देखने को मिल रहा, और सभी जगह कपड़े का दुकान, और इतने सस्ते सस्ते है क्या ही बता सकते हैं यहाँ। तो वैसे यहाँ पे हमारे एक छोटे भाई है, हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम बताओ इनको, अरकान भैया भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, ये हमें इनके साथ हम यहाँ पे काम किए इनके घर के बगल में, ये हमें बहुत जानते हैं, हमारे साथ में और कोई जितने इनके भाई भी है वो भी चले गए, पर ये हमारे साथ में घूम रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बतासा है, इधर क्या बोलते हैं इसको, तो इसे बतासे बोलते हैं, पर ये कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऑल कलर है यानी वाइट है, ब्लू है, पीला है, ऑल कलर है, वाकई में बहुत ही लग रहा है अच्छा।
गाइस यहाँ पे हमारे छोटे भाई ये हमारे साथी अभी है और थोड़ा देर हमारे साथी रहेंगे। थोड़ा ये ना एक यूनिक चीज़ बताया जो बता रहे हैं क्या कि एक छोटा यहाँ पे बेल्ट है, बता रहे यहाँ पे बेल्ट है, तो ये ना बताया क्या कि वॉच यानी घड़ी का बेल्ट है जो देख सकते हैं। जाओ छोटी कहाँ पे दिखाओ, ये देख सकते हैं ये वो ये भाई बताया छोटा तो ये कुछ यूनिक बताना क्योंकि हमने घड़ी वाला भी नहीं देखे थे। और ये घड़ी चलता है छोटू भाई? नहीं, चलता नहीं, पर ये शौक के लिए। तो ये गोल ऐसी शो पीस में बनाया पर वाकई में बहुत ही अजब, क्योंकि हमने भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और वाकई बाजार में ये जो मार्केट लगा है पूरा भीड़ बहुत है। हाँ भाई बहुत भीड़ है और यहाँ पे चप्पल और कपड़े का दो ही हमें ज़्यादातर दिख रहे हैं। तो ओके गाइस अभी हम आ चुके हैं ऊपर में और ऊपर से हम आपको दिखाएंगे कि बाहर का व्यू कैसा है। तो बस बता रहे हैं हमारे मजर अंकल का घर है, तो मजर अंकल अभी वो घर पे है और हम अभी ऊपर आए क्योंकि हमें ब्लॉग ऊपर से दिखाएंगे क्योंकि मजा आएगा ऊपर से आपको व्यू यहाँ से देखने अच्छा लगेगा। तो यहाँ से देख सकते किस तरह से व्यू ऐसा तो ये भैया बता रहे हैं मैसूर का वाकई बहुत सभी यहाँ पे सारे ब्रांडेड है, जोर से पैसा नहीं होने का कारण नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे ऑलरेडी शुरू है। जोर से बोल कर यहाँ जो भी है ना यहाँ भैया बता रहे हो ओरिजिनल में ये शू आप भी देखते हो कि 1000 रुपए से कम नहीं बनेगा। अगर मार्केट में जाते हैं बड़े बड़े मॉल में जाते हैं वहाँ और ज्यादा है, यहाँ पे जो बिक रहा है 25 प्लस यानी मिनिमम कम से कम दाम में मिल जाएगा, मिनिमम 300 रुपए में मिल जाएगा। क्या ब्रांडेड शू है, पूरा ब्रांडेड यहाँ पूरा ही देख सकते हैं। ये पूरा ही ब्रांडेड शू है, कोई भी ऐसे आप देखो तो कहो कि हमको ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये भी देख सकते हैं ये भी मिनिमम 300 रुपए में, जो ये मार्केट में जाते तो 1000 रुपए से कम नहीं मिलता। ये 1300 रुपए यहाँ पे जो भी प्राइस रहा ये शू का पूमा का है और वाकई में ये ब्रांडेड। अगर आप मॉल में जाते हैं अगर बड़े बड़े शॉप में जाते हैं तो वहाँ 1000-1500 रुपए से कम नहीं मिलता, और यहाँ में मात्र 300 रुपए भैया बेच रहे देख सकते हैं और पूरा ही ब्रांडेड है। तो यहाँ भी दिखाए अब चलता है। और यहाँ पे छोटे छोटे भाई लोग भी है ये भी दुकान लगा के यहाँ बेच रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला कि ब्लैक होएगा तो हम जरूर लेते पर यहाँ ब्लैक नहीं है। भाई लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे देख सकते ये भी कपड़े अच्छे उठाओ छोटू, कितने रुपये बेच रहे हो? 100 रुपये हमें ब्लैक लेते तो हम जरूर यहाँ से लेते। यहाँ पे चारों तरफ से फुल साउंड मिल रहा है जिसके कारण हमारा आवाज़ ज़्यादा नहीं मिल पा रहा आपको। और यहाँ पे अभी इस तरफ में चलेंगे क्योंकि हमें उस तरफ तो घूम लिए और इस तरफ में ज़्यादा दूर यानी कौन सबको यहाँ से दिखा दिए कि ज़्यादा दूर नहीं है, पर हम इस तरह चलते हैं। और इस तरह में भी एक दुकान लगाते हैं अंकल अभी जूते का, यानी वो भी मिनिमम 300 रुपये में वो भी बेच रहे हैं और उधर में फुल ब्रांड ब्रांड है, उधर भी चलते हैं। और यहाँ पे बताशा मिलते हैं और देखते फुल कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, व्हाइट और 3-4 कलर से बेच रहे अंकल, बहुत ही कलरफुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलो चलो तो यहाँ पे आने के बाद बता दें कि इस वक्त में आए तो वहाँ भी भैया कपड़े की दुकान है तो वहाँ भी हमने रेट पूछे तो कम रेट है पर वहाँ भी ब्लैक नहीं है, हमने वहाँ से भी लेते। तो बस यहाँ जिस तरह आ गया तो अंकल मिले फिर अंकल क्या हो रहा है हमारा वीडियो करो अंकल। यहाँ तो अंकल कितना दिन मार्केट में रहेगा? चारों ईद तक रहे तो बता दें हर साल यहाँ पे ये मार्केट लगती है और ईद के त्यौहार के लिए यहाँ मार्केट यानी 3 दिन का मार्केट लगती है। और ये ज़्यादातर यहाँ कपड़े का और शू का यानी जो भी ईद का सामान है जो भी नए नए कपड़े खरीदे हैं वो चीज़ का मार्केट यहाँ पे लगती है। और गाइस बता दें चनपटना में ये हाँ मदीना चौक पे ही लगती है और यहाँ चनपटना में लगते हैं। तो हमारे ये भैया थे ब्लॉग तो पेंट वाले भैया जो हम अभी कह रहे जा रहे छोटे तो अब और थोड़ा आगे ले चलते हैं।
तो हमारे यहाँ पे अंकल मिल गए, अभी वीडियो कर रहे थे, ये ऑटो वाले अंकल अच्छे अंकल, तो अंकल मिले हैं ऑटो वाले, जिन्हें हमारे साथ ज़्यादातर काम में इन्हों आते रहते हैं गाड़ी लेकर। तो यहाँ पे एक अंकल है, और अंकल के पास हम बता दें कि अभी ठंडे समय चलने वाला है, यानी कुछ दिन से ठंडे समय आने वाला है। तो सर्दी समय क्या होता है कि हम लोग तो बच्चे लोग के लिए घर में गाँव क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर अपने कुछ भी सर के ऊपर जानवर वूमन वाला ऐसा खुशते हैं। यहाँ पे अंकल लोग बेच रहे हैं, तो देख सकते कितना प्यारा प्यारा है, ये है पहनने वाला जो बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बच्चे लोग नॉर्मल पहनते नहीं है, तो ज़्यादातर होता है क्या कि बच्चे लोग उसी से क्या क्या कुछ जानवर उनका का डिजाइन भी लेता है, वो सब पहनते हैं, तो देख सकते कितना क्यूट क्यूट। और यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए भैया, तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें बहुत यूनिक लगा और बहुत ही क्यूट सा है, ये तो आप देख लिए, और एक जो है फुल लाइट से भरा पड़ा है, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फुल वाइट में है और इसे फुल कलर लगा है। अंकल पूछे इसका रेट, अंकल कितने का रेट है? यहाँ से आप सैंपल ले रहे हैं अंकल के पास से तो 100 रुपये, और नॉर्मल ले रहे हैं तो 100 रुपये। तो एक तरफ और इस तरह में खिलौने का है, दिखाते इधर, तो इस तरह में खिलौने का है, तो उस तरह में चलते हैं और उस तरह में दिखाते हैं, वहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है उधर चलते हैं। और ये कैसा लगा जरूर कमेंट कर देते हैं, जैसे करोगे तो ये लाइट जलता है। तोड़ जा तोड़ जा, तो इसका अभी लाते हैं तो इसको लाइक करते हैं, जो बच्चे लोग इसे खान में डालते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है। तो अभी चलते हैं उससे खिलौने की तरफ, और यह कैसा लगा जरूर कमेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे साथी अभी साथ जो दे रहे हैं ना, यहाँ पे छोटू भाई लोग हैं जो अभी तक हमारे साथ में है, ये छोटू, ये भी छोटू भाई, ये भी छोटू भाई, तो तीन चार जने हमारे साथ में वीडियो के साथ में है। और गाइस अकेले भी रहते हम भी बोर होते हैं, ये लोग भाई लोग बहुत ही हमें सपोर्ट दे रहे हैं कि साथ रह रहे ब्लॉग में, जब भी होता है फ़ोन इन लोग को देते हैं, ये लोग पकड़ रहे हैं। भैया पास, और भैया की तरफ ये है कि एक बड़े बड़े गाड़ी लगते हैं, बिगेस्ट 250 रुपया। तो ये गाड़ी है 250 रुपये का, और कम ही दाम है, रियली में कम दाम में, क्योंकि अगर ये आप मार्केट से जाते हैं बड़े बड़े शॉप से या मॉल से जाते तो ये मिनिमम 1000 रुपये से कम नहीं आता, रियली बता रहे, और 250 रुपये में बेच रहे भैया। कहाँ से लाए मार्केट से भैया, कहाँ का ये मार्केट है? बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर मार्केट का ये है। तो ये भैया बताते हैं ये कि शॉर्टकट मार्केट है बेंगलोर में, इंशाल्लाह कभी जाएंगे और जाएंगे। वैसे हम चोर बाजार का ब्लॉग ला चुके हैं, बेंगलोर पैलेस एंड मैसूर पैलेस में जाकर देखे, ये कार देखे तो इतना बड़ा 250 में, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करो। और एक चीज और यहाँ पे भैया बहुत ही दिल जो बना है, कितना क्यूट सा है, और इसमें लाइटिंग है, और ये और डाउन तो नहीं होता, बस यहाँ पे घर में किसी को गिफ्ट देने के लिए अच्छा है, गिफ्ट करना चाहिए किसी के लिए। और ये कौन होगा कितना ओ कलर भी चल रहा है भैया, तो पूछा था 100 रुपये है, और बहुत ही मस्त है, देख सकते हैं, यानी आप जितना बार कलर चेंज करो हर वे अलग अलग डिजाइन के। Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
तो पकड़ पकड़ तो गाइस यहाँ पे हमारे भैया जी जो आखिर भैया नाम है जो हमें बताया कि कुछ दिनों बाद हम संडे जब भी फॉर्म है तो ये भैया लोग क्या बता रहे कि ये लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो में हम कभी जाएंगे, इन लोग का चैनल है, एक बड़ा चैनल है, मालूम नहीं वो जाएंगे कभी तो शॉर्ट वीडियो पे ब्लॉग्स करेंगे। क्या बोल रहे भैया? हाय, नाम भैया क्या है? अजीत कुमार। अजीत भैया बहुत हमारे फ्रेंड है और हम सबके साथ में काम करते हैं, इंडियन का पाइप क्लाइंबिंग का काम है, आप लोग देखे होंगे इनको। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना भाई के साथ। अभी हम आ चुके हैं खिलौने वाले दुकान के पास, बड़े का खिलौना और यहाँ पे अलग अलग आइटम है, हाउस वगैरह हंस वगैरह भी है और ये हंस भी है, यानी यहाँ पे बहुत ही आइटम उनके रखे हुए। और अभी बता दें यहाँ पे एक बच्ची थी उसको एक पसंद पड़े थे यहाँ पे, पर क्या कारण था हमको मालूम, हमें डाउट लगा तो मैं उन भैया बोला कि भैया क्या होना बोलो, हमें उनको दिला था, फिर बाद में उन्होंने पैसा से ले लिया, उन्होंने बोले थे नहीं नहीं नहीं, और हमें देख के बहुत ही अच्छा नहीं लगा। हाँ भैया गाँव तो ये वहाँ पे हमारे छोटे भाई बता रहे ट्रेन, ज़्यादातर हमें कुछ ना कुछ यही दिखाते हमारे छोटे भाई ट्रेन दिखा रहे। ऑटो पकड़ो छोटू, ऑटो कैसा है कुछ बताओ, तुम्हें बताओ तुम्हें ऑटो कैसा है, ऑटो कैसा है बताओ। हाँ अंकल से पूछो क्या है कैसा, पूछो अंकल से रेट कितना है, पैसा पूछो, गाड़ी दिखाओ अच्छा से। वाओ क्या क्यूट है, नचा के दिखाओ, पूरा नचा के दिखाओ, अंकल के पास इससे छोटा नहीं है, अंकल के पास जो भी है ना यहाँ पे चिपेस्ट पैक में ये भी बेचते और इतना छोटा क्यूट क्यूट का सैंडल है, देख सकते हैं क्या क्यूट है। तो हम आपको बता दें कि ये चिपेस्ट पैक की तरह कम ही दाम में है और जो भी कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सभी कुछ बहुत ही सस्ता सस्ता है। आपको बता दें यहाँ पे अगर आप बच्चे के लिए आओगे यदि मैं यहाँ से ले लिया एकदम इतना छोटा क्यूट सा सैंडल, छोटा छोटा क्यूट सैंडल सभी है जो आप देख सकते हैं। लास्ट फ्लोर की तरफ है, देख सकते हैं हमारे पीछे। तो आपको बता दें कि ये होता है जो 3D होता है और ये घर में लगाने वाला था, जैसे आपका घर है वो प्लास्टिक का यानी अच्छे पेंट से हुआ और शानदार घर, तो ये घर के ऊपर लगा हुआ ना ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये तो इस तरह पे सिंपल दिया गया ये है इसका पूरा ही जिसे बनाना है, पर इधर में जो आता है वो अलग अलग पार्ट्स आते हैं इसको जोड़ के इस तरह करना पड़ता है। यहाँ पे सभी जो है ना सभी अलग अलग बहुत ही कलर कलर फुल वाला है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है घर वाला, ये इसका पार्ट।
पार्ट्स होता है और ये सब बनाना बहुत ऐसे घर में ये पीछे पार्ट और ऐसा हमें रेडी करेंगे। हम लोग बताना ऐसा इतना खूबसूरत हमने बहुत ऐसा देखे, हमें बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप लोग कमेंट करें। तो क्या गाइस, अभी हो रहे 9:30 और हमने यहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे बिता दिए। और गाइस बता रहे कि यहाँ पे हमें एक चीज है, थोड़ा सा जो हम करना चाहते हैं उसके ऊपर हम ब्लॉग करते हैं, ठीक है। और क्या करें, हमने इनकम हो रहा है कुछ भी नहीं, हमारे पास इतना पैसे ना, हमारे पास ना हमारे पास उतना पैसे जो हम कुछ कर पाए। तो बता दें कि यहाँ पे जो भी खिलौने वगैरह होते हैं ना, यहाँ से बहुत मिनिमम यहाँ 10,000 या 5,000 के यहाँ से खिलौने उठा पाते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उन लोग को, गरीब आदमी जो भी हमें लगते हैं ना कि जो गरीब है जिनको होना चाहिए उनको हमें देते, पर क्या कर सकते हैं, इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके कारण हमें ये सभी कुछ अभी दूर है। पर हमें एक टाइम आएगा कि हम बहुत चीज करेंगे, बहुत चीज करेंगे, यानी मैं आप लोग भी देखोगे और आप लोग भी सपोर्ट करोगे उन लोगों के लिए। तो आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम देखे थे तो वाकई बाजार बहुत ही अच्छा लगता है और मदीना चौक पे बस लगता है। तो कैसा लगा हम लोग कमेंट कर देना। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा कमेंट करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।